हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और आज बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए। और पहले तो हमने करवाने जाना है, अपने बाल कटवाने हैं, उसके बाद शेव थोड़ी सी करवानी है, मूछें सेट करवानी है और उसके बाद फिर हमने जाना है सरमद भाई के घर। वो हमें आगे दिखाने के लिए ले जाएंगे गाड़ी। और अब ये नहीं पता कि हमें जीप पसंद आती है, गाड़ी पसंद आती है। बस गाइस, सीन पता क्या है, वैसे तो मेरा इरादा जीप का है और क्योंकि जीप सस्ते में मिल जाती है यार, गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। और अब तला को लेने के लिए आए हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। वो जैसे ही आएगा, क्योंकि उसके किराएदार हैं, हमने फ्री में कटवाने हैं भाई साहब, तब तक वो है हम फ्री में। पहुंच चुके हैं घर, ठीक है। और सरमद भाई की भी कॉल आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि असर के बाद आ जाना। और फिर अब हमने जाना है असर के बाद, ठीक है। ये देखें, बाल कटवा के अभी आया हूँ और खाना भी खा लिया मैंने। और मैंने कहा आपको बता दूं, अगर उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हुई, ठीक है, और पावर स्टीयरिंग हुआ और टायर वगैरह, मतलब मैं जाऊँगा आपको दिखाऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अच्छी लग जाएगी। अगर हमें अच्छी लगेगी तो अब्बू को हम मनाएंगे कि हमें जीप ले दें सिरा। और बस मैं वेट कर रहा हूँ और मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, आपसे फिर मिलता हूँ फ्रेश होकर। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। एक तो आप प्यार दे रहे हैं, दूसरा मुझे दूसरा भी प्यार दे रहे हैं। चल चल, तो ऐसे ही प्यार देते रहें, ठीक है, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो ये भाई भी रेडी हो चुके हैं और इसे मैं बुलाता हूँ प्यार से छब्बी। तो फाइनली गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि हम पहुँच चुके हैं सरमद भाई के घर, ठीक है, और उसके बाद अब हम अंदर जाएंगे। ये देखें क्या माहौल है वगैरह, सब अनस वगैरह सारे ऊपर चले गए हैं। गाइस ये देखें, सरमद भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये हैं सरमद भाई, ये मेरी जान के टुकड़े हैं। क्या हैं जान? मज़ा आया। सरमद भाई ने बोला है शैस भाई को लेके वहाँ कॉलोनी में आ जाओ। कौन सा घर है? तो जैसे ही जीप आएगी भाई, हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर पसंद आ गई तो ठीक, नहीं तो पेपर ठीक थे, जबरदस्त थी, गया इंशाल्लाह पास थी वैसा। शाबाश बेटा, सो चाहे दिन 40 नंबर ते आप अकारे 40 आए हैं वास्ते, माशाल्लाह खत्म। तो गाइस ये आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है, अल्लाह ताला उनके नसीब करें जो जीप थी। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बजट से ज़्यादा थी। No, God, please, no, no! और ये YouTube स्टूडियो देख रहे हो, ये मेरा नहीं है, सरमद भाई का है। इंशाल्लाह ये जो वीडियो बना रहे हैं ये और मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बना रहे हैं हम अपना स्टूडियो। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सरमद भाई के साथ ड्राइव की थी तो मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि 1 लीटर में 14 या 16 करती है लॉन्ग पे, मतलब मेरे ख्याल से 16 करती है, शहर के अंदर 14 करती है। और जो पीछे भाई बैठे थे उनकी जीप थी, तो उन्हें उनसे पूछा मैंने,
तो वो भाई कह रहे थे कि हमने ली है 18 की ली है, नॉन कस्टम है ठीक है, और अगर कस्टम डलवाएं तो 40 की पड़ जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बजट से बाहर है। गाइस मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि अब्बू ने क्या कहा है। वैसे मेरा दिल ही कर रहा अब्बू से बात करने का, क्योंकि बजट से बाहर है, और वैसे भी आज हमने सरमद भाई के घर रहना है, तो इसी वजह से। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और गाइस मुझे ये बताएं कि मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाऊं या नहीं, और मैं आपको दिखाता हूं वीडियो मेरी कौन बना रहा है।